जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। स्वागत है आप अपने चैनल यूनिक सोल्जर RRT में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ SSC GD मेडिकल के बारे में, जिसमें आपको बताऊँगा कि अपने आप को मेडिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रिपरेशन ही हमारी इम्प्रेशन डॉक्टर के सामने शो करेगी। तो मैं आज इसी के बारे आपको पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपका सिलेक्शन तय हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप मेडिकल टेस्ट देने जाएं, तो उससे पहले आप अपने शरीर के इंटरनल पार्ट में जो हेयर है उसे सेव करके जाएं, जिससे डॉक्टर आपको कंफर्टेबल हो सके कि आपका मेडिकल चेकअप का प्रोसेस कर सके। आप हेयर सेव करोगे तो आपका इम्प्रेशन डॉक्टर के प्रति अच्छा जाएगा, जिससे वह आपको पॉइंट ना दे सके। साथ ही हेयर ट्रिम करके जाएं, थोड़े छोटे बाल कर लें और अपने नाखून भी काट लें। डॉक्टर को लगे कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर बनने लायक हो। बात है कि आपको डॉक्टर से कभी बहस नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर कभी कभी छोटे छोटे कारणों में भी पॉइंट दे सकता है आपको, जिससे आपकी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जितना हो सके डॉक्टर से अच्छा बिहेव करनी है, बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो डॉक्टर आपको माइनर डिफेक्ट को भी इग्नोर कर देगा। ये तो बात भी आपके पर्सनालिटी और अच्छी आदतों से संबंध करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे जो मेडिकल के दौरान चेक किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे कान की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने कान की सफाई नॉर्मल तरीके से करना है। आप बड का उपयोग कर सकते हैं और अपने कानों को साफ कर सकते हैं। जो वैक्स आपके कानों में होगा, वो आपके नॉर्मल बड्स का उपयोग करके भी आप अपने कान को साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाइड्रोजन वगैरह का उपयोग करने का ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी हाइड्रोजन वगैरह का यूज ना करें, क्योंकि उससे कान अंदर से रेड दिखाई देने लगता है, जिसके कारण डॉक्टर आपको पॉइंट दे सकता है। जब आप मेडिकल देने जाएं, तो अपना बॉडी का किसी भी पार्ट का एक्सेस ट्रीटमेंट नहीं करवा लेना है, क्योंकि जब आप मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ डॉक्टर आपको उस चीज़ के लिए ऑब्जर्व कर सकता है और आपको नोटिस करेगा। उनको लगेगा कि ये आपका पुराना बीमारी था जिसको वो ठीक करवा के आया है। इसलिए हो सके तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाएं और मेडिकल देने के लिए जाएं। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे दांतों की। आप अपने दांतों में जो पीलापन होता है उसे अच्छे से साफ कर लें। यदि आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा खाना बंद कर दें, और हो सके तो दांतों के डॉक्टर से आप अपना दांतों की सफाई करवा लें। अगर आपका दांत साफ होगा तो उसका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, और अगर आपका दांत आगे पीछे उबड़ खाबड़ भी होगा तो डॉक्टर इग्नोर कर देगा। और आपको दांत से संबंधित एक बात बताना भूल गया, आपका कम से कम 28 दांत होना ज़रूरी है, नहीं तो डॉक्टर आपको पॉइंट दे सकता है। अगर आपके दांतों को कीड़ा खाया है तो आप मेडिकल में जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं, उसको भरवा सकते हैं, जिससे डॉक्टर के पॉइंट देने से आप बच सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप अपने तरफ से फुल प्रिपेयर होकर जाइए और मेडिकल अटेंड कीजिए। बात करते हैं एल्बो की। तो आपको बता दूं कि हमारा एल्बो का एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर उससे आपको पॉइंट दे सकता है। अगर आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत को डॉक्टर इग्नोर कर देता है, इसलिए आपको अपने हाथों के नाखून भी काट लेना है। दोस्तों, मैं बार बार आपको इम्प्रेशन के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें और मेडिकल टेस्ट देने जाएं। बात करता हूं
हमारे चेस्ट के बाल से संबंधित, क्योंकि बहुत लोगों का यह क्वेरीज रहता है कि हमारे चेस्ट में बाल है तो उससे कोई दिक्कत होती है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेस्ट के बाल से मेडिकल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सभी लड़कों में चेस्ट में बाल होता ही होता है, इसलिए इससे कोई भी टेस्ट में कोई बाधा उत्पन्न आपको नहीं होती है। तो यह आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अपने अंडर आर्म के बाल ज़रूर साफ करके जाएं, ताकि वहाँ जब डॉक्टर चेक करे तो स्मेल वगैरह ना आए। यह आपकी अच्छी आदत भी होती है, इसलिए ज़रूर सेव कर लें। आप अपने तरफ से फुल प्रिपेयर होके जाइए, ताकि डॉक्टर आपको टुकाई ना कर सके और पॉइंट ना दे सके। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के हेयर का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे तीन टेस्ट होती है, पेनिस, टेस्टिस और पाइल्स की। पेनिस में हमारे छिद्र को, टेस्टिस में हाइड्रोसील और पाइल्स चेक किया जाता है। यह बहुत ही बारीकी से जांच किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर इसको बारीकी से जांच इसीलिए करता है क्योंकि पाइल्स का जो प्रॉब्लम होता है वो क्रिटिकल कंडीशन रहता है। अगर पाइल्स रहते हुए भी डॉक्टर द्वारा पास कर दिया जाता है तो बाद में उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ सकता है, इसीलिए वे पाइल्स को बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं। अगर आपको पहले पाइल्स हुआ था और ठीक हो चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप अपने हेयर को अच्छे से शेव कर लें तो डॉक्टर को भी जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वरना अगर आप शेव नहीं करोगे तो डॉक्टर समझेगा कि आप पर्सनल हाइजीन में ध्यान नहीं रख देते हो और पॉइंट दे सकता है। इसलिए जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी तैयारी में टेस्ट देने जाइए और आपका नुकसान ना उठाना पड़े। आगे बात करते हैं आपका अगला जो चेकअप, वो है फ्लैट फुट और नोक निक का होता है, जिसमें आपका पैर पूरी तरह से फ्लैट नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं आपको पानी में पैर भिगोकर चलवाया जाता है और चेक किया जाता है, और कहीं कहीं नॉर्मली ऐसे ऊपर से ही देख लिया जाता है। आपका पांव पूरी तरह से ज़मीन में फ्लैट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्टर द्वारा पॉइंट दिया जा सकता है। और उसके बाद आपके घुटने जो हैं वो आपस में भी नहीं सटना चाहिए। अगर आपका घुटना आपस में सटता है तो आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि घुटने आपस में सटने से आपको दौड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको डॉक्टर द्वारा पॉइंट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप मेरी ये सारी बातें फॉलो करोगे और मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आगे आप बात करते हैं कि आपका जो अगला टेस्ट होने वाला है वो आपका आँखों का टेस्ट होने वाला है, जिससे आपकी आँखों का दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को चेक किया जाता है। दोस्तों मेरा आपको एक सलाह है कि जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता आप अपनी आँखों को आराम दें, आँखों को लाल होने नहीं दें। जैसे आजकल जो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनता है तो वो है मोबाइल फ़ोन, इसलिए हो सके तो आप मोबाइल फ़ोन से दूर ही रहें और अपनी आँखों को सुरक्षित रखें जब तक मेडिकल आप क्लियर नहीं कर जाते। आप अपनी आँखों को धूल कण से भी बचा के रखिएगा, ताकि ये छोटी छोटी कारणों से आपको पॉइंट ना मिले और आपको नुकसान उठाना ना पड़े, क्योंकि ये मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो
जिनको बहुत सालों बाद मेडिकल देने का मौका मिला होगा। इसीलिए दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसके बाद अब बात करते हैं हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट के जांच की। अधिकतर कहीं कहीं मेडिकल 2 दिनों तक चलता है और कहीं कहीं 1 दिन। दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि मेरा मेडिकल जो है 2 दिनों तक चला था, जिसमें पहला दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ब्लड जांच, यूरिन जांच और एक्सरे जांच हुआ था, और वही दूसरा दिन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का जांच हुआ था, जो कि मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ और डिस्कस कर चुका हूँ। आपका लगभग 2 कहीं कहीं 3 दिन भी लग सकता है, इसीलिए आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाएं और अपने साथ सामान वगैरह लेके जाएं। वो मेडिकल सेंटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो 1 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, 2 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं या 3 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं। टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट जब तक आपका सेंटर में आ नहीं जाता है तब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं होता है या फिर आपको रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आपका अधिकतर 2 दिन लग जाता है। दोस्तों और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप मेडिकल देने जाएं तो अपने साथ 1 सेट कपड़ा अपने साथ एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि मेडिकल 2 दिन का भी चल सकता है। 1 सेट कपड़े के अलावा आप बनियान और निकर ज़रूर लेकर जाएं। बनियान और निकर पहनने से आपका जब मेडिकल चेकअप हो तो आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। दोस्तों आप ये इन छोटी छोटी बातों को आप गौर करिएगा और ध्यान में रखिएगा और आप मेडिकल देने जाएं, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो आपको कहीं ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें यूनिक सोल्जर RRT को। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।